गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज क्लास 7 चैप्टर 14 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, हमने टेंस चेंजिंग रूल्स के बारे में पढ़ा। हमने लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस को और पजेसिव एडजेक्टिव्स को कैसे पढ़, चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव। पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, दे, हैड एंड पजेसिव एडजेक्टिव ही इज, हर, माई, योर अंडरगो चेंजेस वाइल रिपोर्टिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो ये जो आई, यू, ही, शी, दे जो है और पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, ही इज, हर, माई, योर, ये चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, पर्सनल एंड पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पर्सन जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन मीन्स जो कि चाहे वो पजेसिव एडजेक्टिव हो या प्रोनाउंस हो फर्स्ट पर्सन का, वो चेंज कैसे होता है यहाँ वाले, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास में जो होती है रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आई सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई सुपीरियर्स, तो फर्स्ट पर्सन, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्वियसली जब ये पूरे ही फर्स्ट, दोनों फर्स्ट पर्सन है और ये माई भी फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हमें क्या करना है, एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा प्रोनाउन से रिलेटेड। यहाँ पे सिर्फ टेंस चेंजेस रिलेटेड होंगे, चेंजेस होंगे, टेंस से रिलेटेड चेंजेस होंगे, प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन पर जिस पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओनली आएगा टेंस में चेंजेस। अब यहाँ वॉन्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो एज यू नो वेल दैट कि अगर डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो इनडायरेक्ट में हम प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट सिंपल कर देते हैं। आई सेड दैट आई वॉन्टेड टू कंसल्ट माई सुपीरियर, यू सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई सुपीरियर, सेकेंड पर्सन आ गया यहाँ पे और यहाँ आ गया फर्स्ट पर्सन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, तो अब ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सेकंड पर्सन है, इट मींस यू है, तो यू सैट, अब ये तो एज इट इज आ जाएगा, यू सैट दैट, तो ये आई जो है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये यू का यू आ जाएगा यहाँ पे, कि यू सैट दैट यू वांटेड टू कंसल्ट योर सुपीरियर्स। अब ये माई किस में चेंज हो जाता है, यू आर में चेंज हो जाएगा। शी सैट आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई सुपीरियर, आपको ये जो सेंटेंस सेम देने का मकसद ये है कि देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन यूज़ में लिया, यहाँ सेकेंड पर्सन यूज़ में लिया और यहाँ थर्ड पर्सन यूज़ में लिया एज अ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो शी सेड दैट, अब ये जो आई है यहाँ भी आई आया था, यहाँ भी आई आया था और यहाँ भी फर्स्ट पर्सन आई आया था, क्योंकि हमारा जो रूल है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ तो सब्जेक्ट वही था तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ सेकंड पर्सन यू था तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ शी है तो शी ही रहेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं फर्स्ट पर्सन को या सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन में ही चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो जब ऑलरेडी ये थर्ड पर्सन है तो हम यहाँ पर शी कर देंगे, शी वॉन्टेड टू कंसल्ट हर, अब माई का शी के अकॉर्डिंग हो जाएगा हर सुपीरियर। ओके, प्रोनाउंस, यस, देखिए प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव किसका, सेकंड पर्सन का, हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, अब पढ़ रहे हम सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन का जो पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउंस होता है वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। जैसे राजू सेड टू मी योर कजिन्स आर वेटिंग फॉर यू इन द लॉबी, तो राजू ने मुझसे कहा कि
अब ये यू आर सेकंड पर्सन आ गया, यहाँ भी यू सेकंड पर्सन है, तो इसको क्या होगा, सैड टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है ना। तो राजू टोल्ड मी दैट, राजू ने मुझसे कहा कि माई, यू आर किस में चेंज हो गया, ये सेकंड पर्सन जो है इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव, जब यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का माई हो जाएगा, माई कजिन्स, आर का हो गया वर्ब, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस है तो हमें इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। वेटिंग फॉर मी, यू का ऑब्जेक्टिव केस है, ये यू ऑब्जेक्ट है, तो इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी हो जाएगा, तो मी इन द लोबी। राज सेड टू यू, योर कजिन्स आर वेटिंग फॉर यू इन द लोबी, राज सेड टू यू। अब यहाँ मी आया था, अब यहाँ आ गया यू, तो राजू, राज टोल्ड यू, यू तो यू आ गया, दैट योर, योर क्यों यू आया एज इट इज़, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो इसके अकॉर्डिंग तो चेंज होगा, तो जब यहाँ ऑलरेडी सेकंड पर्सन है तो हम यहाँ पर योर का योर ही रहने देंगे। योर कजिन्स वर वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू इन द लोबी। राज सेड टू हिम, राज ने उससे कहा, हिम, अब यहाँ थर्ड पर्सन आ गया, देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन आया, यहाँ थर्ड पर्सन आया, और यहाँ सेकेंड एंड थर्ड। राज सेड टू हिम, योर कजिन्स आर वेटिंग फॉर यू इन द लोबी। तो अब यहाँ क्या होगा, राज टोल्ड हिम दैट योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हिम क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है, तो हिम का क्या हो जाता है, हिम का ही से हिम बनता है, तो इसका योर का जो ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, हीज होगा। तो राजू टोल्ड हिम दैट हीज कजिन्स वर वेटिंग फॉर हिम, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम इन द लोबी। ठीक है, अब ये सेकेंड पर्सन से रिलेटेड हो गया। प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज। अब ये जो प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं थर्ड पर्सन के, वो अनचेंज रहते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में ही कन्वर्ट करते हैं। जब थर्ड पर्सन ही यहाँ होगा तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। जैसे यू सैड ही इंजॉयज़ वाटर स्पोर्ट्स, यू सैड दैट ही इंजॉयज़ वाटर स्पोर्ट्स, ही इंजॉयज़ वाटर स्पोर्ट्स, ही इंजॉयज़ वाटर स्पोर्ट्स। अब ये इन्जॉयज़ यहाँ आया है, इसको हमने, आप कहेंगे कि ये जो, अब चलो प्रोनाउंस में तो चेंज नहीं किया, लेकिन ये इन्जॉयड होना चाहिए था ना यहाँ पे, यहाँ पर इन्जॉय क्यों आया, यहाँ पर इन्जॉय इसलिए आया है क्योंकि एक हमारा रूल है कि अगर किसी की कोई कंटिन्यू जो एक कंडीशन होती है ना, मतलब उनकी हैबिट होती है कि वो कंटिन्यू करते रहते हैं कंप्लेनिंग, मतलब उनकी जो स्टेट और अफेयर्स, मतलब उनके स्टेट ऑफ माइंड के वो हमेशा करते ही, उनकी आदत जो होती है, आदत है उसकी, इसलिए आदत को कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं, चाहे इधर पास्ट टेंस कुछ भी होते हैं, कि एक ये हैबिचुअल एक्शन है कि वो वाटर स्पोर्ट्स को इन्जॉय करता है, तो हम इसलिए इसको यहाँ पर हमने टेंस चेंज नहीं किया है। आई सेड शी हैज़ गिवन हर रेजिग्नेशन, तो आई सेड दैट शी हैज़ गिवन हर रेजिग्नेशन, हर रेजिग्नेशन। ठीक है, यहाँ पर शी आया तो हमने यहाँ पर भी शी लगा दिया, तो यहाँ तक तो आपका पूरा ये प्रोनाउंस और एडजेक्टिव से रिलेटेड हो गया है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, अब ये आपका आता है टाइम से रिलेटेड, पहले हमने पढ़ लिया ये सारा टेंस से रिलेटेड, फिर पढ़ा हमने प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड चेंजेस, अब आता है हमारा टाइम से रिलेटेड चेंजेस। अगर ये जो एक्सप्रेशन है डायरेक्ट स्पीच में, जैसे नाउ है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये पूरा, ये एडवर्ब प्लेस और ये एडवर्ब डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब, तो नाउ को हम इनडायरेक्ट स्पीच में देन कर देते हैं। आपको पता है क्यों करते हैं, क्योंकि ये हम डायरेक्ट स्पीच तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट हम रिपोर्ट करते हैं किसी से जाके, तो हम देन ही कहेंगे। नाउ को देन में, अगो को बिफोर में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमोरो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर या द लास्ट बिफोर, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंडे को द फॉलोइंग मंडे, नेक्स्ट मंडे से मीन्स नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, वॉट एवर, तो फॉलोइंग मंडे, दिस मॉर्निंग को दैट मॉर्निंग, हेयर को देयर में, हेयर इन को देयर इन में, दिस को दैट में, और दीज को दोज में चेंज कर देते हैं।
तो ये आपका टाइम रिलेटिव, टाइम से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो आ चुके हैं आपके। हमने टेंस रिलेटेड चेंजेस पढ़ चुके हैं, टाइम से रिलेटेड चेंजेस पढ़ चुके हैं हम आपके, प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड चेंजेस हम पढ़ चुके हैं। इतना आपका काफ़ी है आज की वीडियो में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कन्वर्सेशन ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, क्योंकि आपको स्टेटमेंट, क्वेश्चन और इम्पेरेटिव सभी को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो आपका फिलहाल आपका स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट जैसे कि आपको ये स्टेटमेंट ये यूर कजिन्स वर वेटिंग फॉर यू इन द लॉबी, तो ये स्टेटमेंट ये, तो इनको हमें कैसे चेंज करना होता है। ये तो सिर्फ आपको बताया गया है कि यहाँ पर ये चेंज किया गया, अब चेंज कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, इट्स स्टे हेल्दी।